الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. معزز علماء كرام، سامعين، نوجوان ساتھیو، اسلامی ماؤں اور بہنوں، اسلام دین رحمت، دین امن اور عدل و اعتدال پر قائم ایک آفاقی دین ہے. اس کا ہر ایک حکم حکمت پر مبنی ہے. انسان کی زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جس میں اسلام نے انسان کی رہنمائی نہ کی ہو. انسانی زندگی کے تعلق سے عبادات، معاملات اور اخلاقیات، ان تمام چیزوں میں اسلام نے انسان کی رہنمائی کی ہے. اسلام کے نظام ہائے زندگی میں سے ایک نظام ہے خاندانی نظام، اور اسی کا ایک اہم ترین حصہ ہے حقوق زوجین، یعنی شوہر اور بیوی کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں. اسلام نے اس کے تعلق سے اصول اور ضابطے بتائے ہیں، نظام قائم کیا ہے. میں نے ابتدا میں سورۃ الروم کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر فرماتا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے اندر محبت اور رحمت پیدا کر دی. بے شک اس کے اندر ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. آیت کریمہ کے اندر اگر ہم غور کریں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ازدواجی زندگی کا مقصد متعین کیا ہے، بتایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. ازدواجی زندگی کا مقصد سکون حاصل کرنا ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے اللہ رب العالمین نے دو انتہائی بنیادی اصول کا ذکر کیا. پہلا اصول ہے محبت، اور دوسرا اصول ہے رحمت. محبت یہ ہر طرح کے حقوق کی بنیاد ہے، یعنی آپ اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو جس کے تئیں آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں گویا کہ آپ اس کے حقوق کو ادا کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں. اگر حقوق کی ادائیگی نہیں ہے تو پھر محبت کا کوئی فائدہ نہیں. ایسے ہی دوسرا اصول ہے رحمت، یہ ہر طرح کے اخلاقی امور کی بنیاد ہے. آپ کے اندر مہربانی ہے تو یقینی طور پر دوسروں سے نرمی کے ساتھ پیش آئیں گے، اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے،
आपका उसके साथ ताल्लुक बेहतर से बेहतर होगा, आपका रवैया बेहतर होगा, क्योंकि आपके अंदर उसके लिए रहमत का मादा पाया जाता है। मियां बीवी के हुकूक में अल्लाह सुबहानहू व तआला ने ये दो इंतहाई बुनियादी उसूल का जिक्र किया है। चूंकि मौजूए खिताब है शौहर और बीवी के हुकूक, शौहर और बीवी के हुकूक सारे के सारे हुकूक इन्हीं दो बुनियादी उसूल के इर्द गिर्द घूमते हैं। अगर मोहब्बत और रहमत ये दो चीजें मियां बीवी के अंदर जिंदगी में मकसद बन जाए तो यकीनी तौर पर एक दूसरे के हुकूक की रियायत लाजमी तौर पर होगी। और अल्लाह सुबहानहु व तआला ने इस कदर बुनियादी तौर पर इन दो उसूलों को बयान किया है हुकूक के मामले में कि आप जरा सोचे कि अल्लाह ताला ने हुकूक की तफसील कुरान की बाज आयतों के अंदर इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी इज्दिवाजी जिंदगी को हमारे सामने रख दिया है। अगर हम कुरान की इन बुनियादी आयतों को देखें तो हुकूक की तायीन करने में हमें कोई दुश्वारी नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन भी हमारे अहवाल और कवायफ से किस कदर वह इल्म रखता है कि बुनियादी उसूल बता दिए और इस दिवाजी जिंदगी के अंदर इंसान के अहवाल मुख्तलिफ होते हैं, कैफियतें मुख्तलिफ होती हैं, इंसान के बाज अवकात तकाजे अलग अलग हो जाते हैं। कभी कभार ये जो बुनियादी तौर पर उसूल बताए गए हैं आप इस दिवाजी जिंदगी के अंदर देखेंगे कि मोहब्बत और रहमत इस कदर बुनियादी उसूल है कि आपके शरीक हयात के सामने कभी आपका मुस्कुराना मोहब्बत को परवान चढ़ाना होगा, लेकिन कभी कभार मुस्कुराना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, वो मोहब्बत की दलील नहीं हो सकती है। कभी कभार आपके लिए चुप रहना यह मोहब्बत की दलील हो सकती है और कभी कभार चुप रहना आपके लिए भारी पड़ सकता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुनियादी उसूल बता दिए ताकि हर इंसान अपने तकाजे और कवायफ और हालात के एतबार से मोहब्बत और रहमत को मद्देनजर रखते हुए वो एक दूसरे के साथ मामलात इख्तियार करें। शौहर और बीवी के हुकूक की अहमियत को हम इस अंदाज में भी समझ सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को पैदा किया, फिर घर कुंबा कबीला और मुआशरा और फिर एक कौम वजूद में आई। इंसानी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए इंसान की जिंदगी में जिस तरह से कुंबा कबीला इसी तरह से मुआशरा और कौम की बड़ी अहमियत है तो अल्लाह सुबहानहू व तआला ने कुंबे कबीले और मुआशरा और कौम की जिम्मेदारियां उसकी तश्कील की जिम्मेदारियां दो ऐसे अफराद पर रखे कि जिन अफराद को अल्लाह ताला ने बुनियाद बनाए और उन अफराद की सालिहियत मजबूती और उनके हुकूक उनकी जिंदगी के तकाजे उनके जिंदगी के अंदर अमन सुकून को इस तरह से वाज तौर पर बयान किया कि मुतवाजिन तरीके पर आदल और एतदाल पर मबनी उसूल के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन दोनों के हुकूक को बयान किया ताकि उनके जो हुकूक है उन हुकूक को वो एक दूसरे के लिए अदा करते हुए जो कौम की तश्कील में कुंबे की तश्कील में मुआशरे की तश्कील में उन पर जिम्मेदारियां हैं तो इत्मीनान के साथ वो जिम्मेदारियां अदा कर सके। आप आज के ये खानदानी निजाम के हवाले से जो भी मौजूआत से मुतालिक तकरीरें सुनेंगे तो उन तकरीरों की असल बुनियाद असल बेस असल जो सबब है वो ये कि इज्दिवाजी जिंदगी पर मुनहसिर है। अगर इज्दिवाजी जिंदगी शौहर और बीवी के हुकूक की तायीन सही तौर पर होती है और एक दूसरे के हुकूक की रियायत
सही तौर पर होती है तो यकीनी तौर पर आगे के जो मामलात हैं वो सही तौर पर पाए जा सकते हैं, वरना यह कि इस दिवाजी जिंदगी के अंदर खराबी पाई जाए, उनके यहां पर सालहियत ना पाई जाए, उनके यहां पर खैरखाही ना पाई जाए, तो मुआशरे के अफराद के अंदर भी सालहियत नहीं पाई जा सकती, मुआशरे के अफराद के अंदर खैरखाही नहीं पाई जा सकती, मुआशरे की सही तश्कील हो ही नहीं सकती है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दिवाजी जिंदगी के बुनियादी हुकूक को बताने के लिए दो बुनियादी उसूल का जिक्र किया है, एक तो मोहब्बत और दूसरी रहमत। उलमा ने हुकूक को समझने के लिए तीन हिस्सों में तकसीम किया है, एक तो शौहर और बीवी के मुश्तरक हुकूक, दूसरे बीवी के शौहर पर मुनफरिद हुकूक, और तीसरे शौहर के बीवी पर मुनफरिद हुकूक। हर एक हुकूक की अपनी जगह पर अहमियत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर एक कमाल की बात यह है कि इस मौजू पर अल्लाह ताला ने बुनियादी बातों का जिक्र किया है। मसलन मुश्तरक हुकूक को बताते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया वलहुन्ना मिथ्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ, और उन औरतों के लिए तुम पर वैसे ही हुकूक है जैसा कि उन औरतों पर तुम्हारे हुकूक है। अब इसके अंदर मुश्तरक हुकूक को अल्लाह ताला ने इस अंदाज में बयान कर दिया कि बुनियादी हैसियत रखता है उसूल, यानी तुम अगर अपनी औरत से किसी हक का मुतालबा करते हो तो यकीनी तौर पर वो हक तुम्हारे ऊपर भी लाजिम आता है कि तुम भी वो हक अदा करो। इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हो सहाबा के मनहज, सहाबा की फहम पर आप कुर्बान जाएं, इस आयत करीमा पर अमल करते हुए वो अपनी बीवी के लिए जेबो जीनत इख्तियार करते थे, अपने बाल को संवारते थे और कहते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलहुन्ना मिथ्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ, और उन औरतों के लिए तुम पर वही हुकूक है जो तुम्हारे उन औरतों पर हुकूक है। हम अपनी औरत से ये तकाजा करते हैं कि वह खूबसूरत बनी रहे, तो उन औरतों के हुकूक की रियायत करते हुए हमें भी उनके लिए खूबसूरत बनना चाहिए और बन संवरना चाहिए। ये इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हो ने इस आयत की तफसीर अमली तौर पर बतला दी। तो एक तो मुश्तरक हुकूक का जिक्र किया गया, बास ऐसे हुकूक है जो इनफरादी तौर पर है, मसलन शौहर पर बीवी के हुकूक ये है कि शौहर माली एतबार से बीवी के सारे अखराजात पूरे करें, महर है, नानो नफका है, और फिर उसकी तफसील चूंकि वक्त नहीं है। इसी तरह से शौहर के भी कुछ हुकूक हैं बीवी पर, मसलन शौहर की इताअत को लाजिम पकड़ें, हर हाल में शौहर की इताअत करें जब तक कि शौहर अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत का कोई हुक्म ना दे। इसी तरह से शौहर का हक यह है कि शौहर की इजाजत के बगैर वो घर से ना जाए, शौहर की इजाजत के बगैर किसी को ऐसे शख्स को आने ना दे जिसको शौहर ना पसंद करता है। ऐसे ही शौहर अगर बिस्तर पर बुलाए तो बीवी का हक बनता है, शौहर का हक बनता है कि वो बीवी शौहर के पास आ जाए। ये वो बुनियादी हुकूक है जिनका जिक्र कुरान के अंदर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका के अंदर जिक्र किया है। लिहाजा हमें चाहिए कि इन हुकूक की रियायत करें इस दिवाजी जिंदगी के अंदर। अगर इस दिवाजी जिंदगी को हम वाकई मानों में कामयाब बनाना चाहते हैं, खुशगवार बनाना चाहते हैं, तो जरूरी है कि कुरान और अहादीस के इन बुनियादी उसूलों और कुरान और अहादीस के इन बुनियादी दलाइल के जरिए से हम अपनी जिंदगी को मुसय्यन करें। और इस सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमारे लिए तालीमात हैं, आप जो हमारे लिए उसवा है, आप जो इज्तिवाजी जिंदगी और जिंदगी के तमाम गोशों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए नमूना है, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखें कि आपकी इज्तिवाजी जिंदगी कैसी रही, बीवियों के साथ मामलात कैसे रहे। ऐसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों को शौहरों के हुकूक के हवाले से क्या नसीहत की। इस सिलसिले में अगर हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा को अपनी जिंदगी के अंदर अपनाते हैं तो यकीनी तौर पर इज्तिवाजी जिंदगी खुशगवार हो सकती है और फिर हुकूक एक दूसरे की अदा हो सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस की रोशनी में जिंदगी गुजारने के तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिंदगी के हर गोशे में हम इस्लाम की तालीमात को अपनाएं, इस बात की तौफीक अता फरमाएं। अल्लाह सुबहानहु व तआला इस दिवाजी जिंदगी में जो भी बदे हुए हैं अल्लाह ताला हम सब के इस दिवाजी जिंदगी को खुशगवार बनाएं, एक दूसरे के हकूक की रियायत करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए जरिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने। आमीन। जज़ाकअल्लाहु खैरन।